हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ फिरनी, तो देखते हैं कैसे बनती है। ये देखिए, हमने 50 ग्राम तक चावल ले लिए हैं। चावल धो लेते हैं। हम चावलों को सिर्फ एक बार धोएंगे, हमने इसे एक ही बार धोया है। अगर हम इसे ज्यादा धोएंगे तो इसका स्टार्च निकल जाएगा। इसका स्टार्च ना निकले इसलिए हमने इसको एक ही बार धोया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए भिगाने रख देते हैं। हमारे चावल को भिगे हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। इसे पीसते समय हल्का सा दूध डाल देंगे। ये देखो, इतना छोटे छोटे कण हैं चावल के, ये इतना ही पीसना चाहिए। अब हमने 1 लीटर दूध उबालने रख दिया है, वो भी फुल क्रीम। हमारे दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसे कम कर देते हैं। दूध में उबाल आने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा केसर मिला लेते हैं, इसमें इसका अच्छा कलर आ जाए। अब हम इसे मिला लेते हैं। अब हम इसमें पीसे हुए चावल डाल लेते हैं। इसे हल्की आंच में ही घुमाते रहें और इस तरह से करें कि नीचे तले में ना लग पाए। इस तरह चलाने के बाद अब हमारी फिरनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें 4 चम्मच चीनी डाल देते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। हमने पहले फिरनी में केसर डाला था, तो आप लोग केसर स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है केसर डालना, जैसा आपको लगे। अब हम इसे गार्निश के लिए बादाम और पिस्ता कट कर लेते हैं। देखिए हमारी फिरनी कैसी लगी आपको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।